नमस्कार दोस्तों, द अर्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष कपूर। आज प्राइम टाइम में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर साहब का एक ऐसा बयान जिसके बाद हमारे प्रदेश के अंदर एक चर्चा सी शुरू हो गई है स्कैम्स को लेके, या हम बात करें करप्शन को लेके। जी हाँ, आप जानते हैं जिस तरह से गवर्नर साहब ने एक नेशनल न्यूज़ चैनल को, एक भी नहीं मैं बोलूँगा, एक दो न्यूज़ चैनल को जो है इंटरव्यू में बताया किस तरह से हमारे स्टेट के अंदर आज तक जो है करप्शन, जो शायद हम दबे पाँव या जो हम बंद मुंह से बोलते तो थे, नुक्कड़ में डिस्कशन में बोलते थे, फैमिली डिस्कशंस में हम बात करते थे, लेकिन किसी मुख्य लीडर ने, एक मुख्य धारा के किसी व्यक्ति ने जो है कहीं बाहर आके या किसी टीवी चैनल पे कभी भी बोला नहीं था। वो गवर्नर साहब ने एक थोड़ी सी, हम बात करेंगे, एक ऐसे पद पर बैठ के जब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो शायद हमें सोल्यूशन भी दिखता है, कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप उसको सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और जिस तरह से गवर्नर साहब ने आइडेंटिफाई किया है सोल्यूशन को, और हम बात करेंगे, हम जनता को, प्रदेश की जनता को एक आश्वासन दिया है इस करप्शन को ख़त्म करने का। और ये जो जिस लेवल की करप्शन हो रही थी, या बात करें हम जेएनके बैंक में रिक्रूटमेंट के ऊपर उन्होंने बड़ा एक तीखा बयान दिया, या हम बात करें रिलायंस ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस के ऊपर उन्होंने जो एक उसको कैंसिल करके एग्रीमेंट को, उस पर विजिलेंस की जो है एक कमेटी बिठा दी है, इंक्वायरी बिठा दी है। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं देशरतन जी। देशरतन जी जो हैं ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। आज इनसे बात करेंगे, इनका क्या मत है इसको लेके, इनकी कम्युनिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है इस करप्शन का जो इतने सालों से हमारे प्रदेश में चल रही है, और उनको जो गवर्नर साहब ने बयान दिया है उससे कितनी आस जगी है कि इस करप्शन से जो तुष्टिकरण होता रहा है हमें हमेशा कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर वर्ग का, उसमें कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना ये सोल्यूशन बन के उभरेगा ये हमारी सोसाइटी में। देशरतन जी, आपको स्वागत करते हैं हम द अर्थ न्यूज़ स्टूडियो में। देशरतन जी, तो जिस तरह से मैं बात कर रहा था अभी, जिस तरह से हम दर्शकों से बात, मैंने बताया उनको सारा, आपको क्या लगता है, क्या आपको एक आस जगी है कि ये जो गवर्नर साहब की तरफ से स्टेप लिए जा रहे हैं, बयान दिए गए जो, उसमें आपको क्या लगता है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि गवर्नर साहब ने परसों बहुत चैनलों में ये बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट, जो जम्मू कश्मीर बैंक के रिक्रूटमेंट में जो घोटाला हुआ है, अगर हम सीधे सीधे बात करेंगे कि 582 लोगों को जिनको गवर्नमेंट ने जॉब दिया है जेके बैंक में, उस समय महबूबा मुफ्ती हमारी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी और बीजेपी वाले पीडीपी के साथ हुकूमत चला रहे थे, और हमारे वोहरा साहब उस समय के गवर्नर थे, और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, जो हाईली एजुकेटेड थे, जिन्होंने एग्ज़ाम पास किए हैं, जिन्होंने बैंक एग्ज़ाम पास करके क्वालिफाई करके अब लिस्ट निकलने को तैयार था, और गवर्नमेंट ने बोला, मतलब पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन को कि ये लिस्ट आप रहने दो, जो जितने भी हमारे एमएलए हैं उनको बोलो कि आपने 4-4, 5-5 लोग दे दो, कि 582 लोगों का अलग लिस्ट तैयार करो, उनको आप आर्डर निकालो, जो क्वालिफाई जो कर गए हैं उनको पीछे हटा दो, उनके नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपने पीडीपी या बीजेपी एमएलए को फायदा देना है। देशरतन जी, गवर्नर साहब की अगर बात करें, उन्होंने डायरेक्ट तो उन्होंने पीडीपी बीजेपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सरकार, मौजूदा सरकार या गई बीती सरकार, या उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में एक जनरल टर्म यूज़ की थी, लेकिन जब आप बोलते हैं कि पीडीपी बीजेपी ने वो जो है वो लिस्ट कैंसिल करवा के अपने लीडर्स के बोला, अपने एमएलओं को बोला कि आपको हम 4-4 या 5 लोगों का एक कोटा देते हैं, आप अपने व्यक्ति लगाइए, आप इतनी मैं बात करूंगा इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट किस तरह से कह सकते हैं आप इस चीज़ को, किसी सीधी बात है, गवर्नर साहब का बयान जो उसने बोला उसने सही बोला, उसने बोला कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी तो उसका बयान इतना ही काफ़ी है, लेकिन जब हम घर में बैठते हैं, जैसे आपने भी बोला, फैमिली में बात करते हैं, क्वार्टर मीटिंग्स करते हैं, या बड़े बड़े पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने प्रोग्रामों में जाते हैं, या नॉन पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी, हम भी बात करते हैं, तो उस समय पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी, विधायक तो उनके थे, एमएलए एमएलसी उनके थे, एमपीज तो उनके हैं, राज्यसभा मेंबर तो उनके थे, तो उनसे ही बात किया होगी ने, महबूबा मुफ्ती तो सीएम थी, इसमें तो गलत नहीं था कि फिर उसको नहीं पता था कि जेके बैंक के चेयरमैन द्राबू साहब हमारे वजीर खजाना था, फाइनेंस मिनिस्टर था, तो द्राबू साहब के कहने पर भी एक समय का जम्मू कश्मीर बैंक की चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी, किसको आज के नहीं पता होता कब क्या होता है, सब लोग टीवी मीडिया पेपर्स सोशल मीडिया तो 24 घंटे चलता रहता है, तो एवरी पर्सन नोज वॉट एवर इज हैपनिंग इन द सेक्रेट आर बिहाइंड द सेक्रेट गैलरीज, वी नो दिस ऑल थिंग्स, दैट इज वाई वर गवर्नर हैज टेकन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स दैट देयर शुड बी एंड ऑफ द करप्शन इन जेएंडके स्टेट, तो हम इसकी सराहना करते हैं। मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने भी पिछले दिनों से आपके चैनलों में, मीडिया में, वो जो हमारे अखबार बिकते हैं, पेपर्स में, सब में आया कि, लेकिन अब हमें ये शक है कि ये किताबों में नहीं लिखना चाहिए, किताबों में सिर्फ नहीं आना चाहिए, इट शुड कम
प्रैक्टिकली। लेकिन जिस तरह से गवर्नर साहब ने चैनल को इंटरव्यू दिया और उसके बाद से हमने देखा एसीबी फॉर्म कर देगी, एंटी करप्शन ब्यूरो को फॉर्म किया, रिलायंस ग्रुप इंश्योरेंस जो हमारा मेडिक्लेम ग्रुप इंश्योरेंस था जो रिलायंस कंपनी का नाम लेके उन्होंने जो है उनको कटघरे में खड़ा किया और उनके खिलाफ जो इंक्वायरी खड़ी की है, उससे आपको आस जगती लग रही है कि हमारे स्टेट में जो एक करप्शन जिसको हम बड़ा शर्मसार होकर हमें ये कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर को एक वन ऑफ द करप्ट स्टेट जो है उसका तमगा जो दिया जाता था जब रैंकिंग्स आती थी हमेशा टॉप में पाई जाती थी, आपको लगता है क्या वो जो दाग है हमारे ऊपर वो हम धो पाएंगे जिस तरह से करप्शन के ऊपर गवर्नर साहब की तरफ से स्टेप पिछले कुछ दिनों में लिए गए हैं? जब महबूबा मुफ्ती की सरकार डिसमिस की थी केंद्र सरकार ने, मतलब पीडीपी बीजेपी की हुकूमत गई थी, तो वोरा साहब ने जब चार्ज संभाला था तो वोरा साहब को चार्ज संभालते हुए उसने भी कुछ काम अच्छे करने शुरू किए थे। ही स्टार्टेड जो आज पंचायत इलेक्शन हुआ, वार्ड इलेक्शन हुआ, इट इज़ ऑनली ड्यू टू दैट हैव अनिल वोरा गवर्नर ऑफ दैट टाइम, और उसको फॉलो किया। आप जो हमारे मलिक साहब आए, सतपाल मलिक साहब, ये भी एक अच्छे गवर्नर साबित हो रहे हैं, और जो वोरा साहब को याद नहीं पड़ा था तो वो इन्होंने करके दिखाया है। और मुझे आशा है कि गवर्नर साहब इसको किताबों में नहीं लिखेगा, इसमें जो ब्यूरोक्रेट फंसेंगे, इसमें जो करप्ट फंसेंगे, जो इसमें विधायक या कोई भी मंत्री या किसी भी अप्रोच में कुछ जिसने लिस्ट बनाया होगा, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आम जनता को पता चले नहीं करप्शन का खात्मा होने वाला है। गवर्नर साहब ने इसकी कमान खुद संभाली है, केंद्र सरकार भी चाहती है कि मोदी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसने एक बार खुद ही बोला था बड़े बड़े जलसों में कि न मैं खाता हूँ न मैं खाने दूंगा, मैं देश में एक साफ सुथरी हुकूमत दे दूंगा। शायद उसी के कहने से तो सतपाल मलिक जो गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के, मुझे पूरी विश्वास है कि सतपाल मलिक जी इनके अंदर जाके तहखाने में जाएगा, बैंक घोटाला, केएएस घोटाला, रिलायंस इंश्योरेंस घोटाला को छोड़ के जो बाकी डिपार्टमेंट में काफ़ी घोटाले हैं, मुझे नहीं लगता कोई डिपार्टमेंट यहाँ बचा होगा जहाँ घोटाला नहीं है। और वो लोग जिनको घोटालों की वजह से पिछले 25-20 साल में इंसाफ नहीं मिला है, जो सेक्रेटरी के गलियारों में चक्कर लगाते रहते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जिन अफसरों ने उनको दबाया 20 साल में उनको सख्ती से निपटा जाएगा। और जो अफसर 2-2 करोड़ 2-2 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं, रिश्वत भी कमाते हैं, आम लोगों को कैटेगरी में खड़ा करते हैं, गवर्नर साहब ने कहा ना उनके लिए भी जिनके 15-15 कमरों के मकान बंगले हैं, जिनके अगर 2-2 लाख रुपए के जो है कारपेट जो है वो टंगे हुए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं गवर्नर साहब की तरफ से हमने देखा है कि केस ऑफिसर्स को भी 1 मंथ का जो है टाइम दिया गया अपने प्रॉपर्टी का ब्यूरो देने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेप्स लगते हैं हमें भी कि जिससे हमारे प्रदेश जो है उसमें करप्शन का जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं गिरेगा, और आशा करते हैं जिस तरह से गवर्नर साहब स्टेप उठा रहे हैं। देशरत्न जी, मैं बात करूंगा अगर जैसे सरकार को, अगर यहाँ पे अगर हम सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा कोई खास कोई स्कैम या कुछ ऐसा फाइनेंशियल इररेगुलेटरीज का कोई मसला सामने नहीं आया पिछले 4-5 सालों में, क्या आपको लगता है हमारे प्रदेश में जिस तरह से अभी ये एक के बाद एक जो हम स्कैम्स बोलेंगे या फाइनेंशियल इररेगुलेटरीज की बात करेंगे, चाहे वो रिलायंस ग्रुप ये ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो रिलायंस की जगह से, या हम बात करेंगे जेएनके बैंक में रिक्रूटमेंट की बात करेंगे जिसके ऊपर एक घमासान सा इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में मचा हुआ है, या आपने केएएस ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में जैसे आपने बताया हमें, आपको लगता है स्टेट में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जब पीडीपी की सरकार में आई और अहम महकमे जो पीडीपी के पास गए वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगी बीजेपी की इंटीग्रिटी या डिग्निटी जहाँ करप्शन को लेके जहाँ पे वो जिसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? ये बात बिल्कुल सही है। दो चीज़ें हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक हमने सेक्रेटरी को और पीडीपी बीजेपी को समझा है कि बीजेपी वालों ने पहली बार हुकूमत संभाली, इनके विधायक बहुत देर से अपोजिशन में रहते थे या कभी जीते नहीं थे, उन्होंने हुकूमत संभालने के बाद पहली बार देखा कि मुझे लगता है कि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना विश्वास जम्मू के लोगों को बीजेपी के लोगों पर था वो उस पर उतरने में नाकाम हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस को तो हमने पहले ही देखा था, एनसी को पहले ही देखा था, अब पूरा विश्वास था कि बीजेपी लोग चुन के आएंगे, 25 विधायक जम्मू के लोगों ने इनको बड़ी बहमत से कामयाब बनाया कि एक साफ सुथरी हुक्म देंगे, लेकिन वो उसमें देने में नाकाम हो गए। अब वार्ड इलेक्शन में बीजेपी को फिर वोट मिले, ये सही बात है, लेकिन वो इनकी वजह से नहीं, इनके काम की वजह से नहीं, वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को वो वोट मिल गया। अभी भी हिंदुस्तान का जनता कहता है कि हमें विश्वास है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, शायद वो इनको बदल डालेगा या इनको चेंज करेगा, लेकिन अभी दूर की बात है, करेगा नहीं करेगा वो वक्त बताएगा। लेकिन गवर्नर साहब ने जो स्टेप उठाए, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, मैं उसे टाइम मांगा है, अगर मैं टाइम मिल गया तो हम माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात रखेंगे, अगर वो जम्मू कश्मीर में मिलिट्रेंसी ख़त्म करना चाहते हैं, अगर कश्मीर के लोगों को भी मैं कहता हूँ कि वहाँ भी यही समस्या है, वहाँ भी काफ़ी करप्शन है, अगर उनको भी लगेगा कि एक साफ सुथरी हुकूमत केंद्र सरकार दे रही है सतपाल मलिक द्वारा, लेकिन सतपाल मलिक को अपने कहे हुए बातों पर, अपने इंटरव्यू पर पूरा अमल प्रैक्टिकली करना चाहिए, नहीं कि वो सब उस बाग दिखाएगा लोगों का मैंने वो लिस्ट बनाया, नए लोगों को लगा दिया, लेकिन जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, जो जहाँ पर भी करप्शन है,
उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा हेल्थ सेक्टर देखो, वहाँ लोगों को बेड नहीं मिलता है, लोगों को वहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलती है, शाम को लोग मरते हैं, अपने अपने कंधों पर बीमारों को लेते हैं, जो लोग बेचारों के जिनकी कैजुअलिटीज होती है, जिनकी डेथ होती है, बिल्कुल तो इतने फंड्स आ रहे हैं। आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, कितनी दुख की बात होती है। आप जहाँ से आते हैं, आप जगती टाउनशिप में रहते हैं, मैं वहीं की बात करूँ, मैंने वहाँ पे आज से 3-4 महीने पहले जो है दौरा किया था, वहाँ पे वहाँ से रिपोर्टिंग की थी हमने, वहाँ देखा था वहाँ का जो हॉस्पिटल है वहाँ की हालत किस तरह से, बिल्डिंग तो बन चुकी है वहाँ पे, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो वो ना के बराबर थी। वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं, एक शायद से एक ही डॉक्टर है अभी का मुझे मालूम नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो एक आधा डॉक्टर था जो वहाँ पे पूरी पॉपुलेशन को जो वहाँ पे देख रहा है जगती टाउनशिप की। अगर थोड़ा सा आप इस पर तो रोशनी डाल पाएं आपने वहाँ के बारे में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब जगती टाउनशिप 2010 में शिफ्ट हुआ फ्रॉम मिश्रवाड़ा कैंप, परखू, नगरोटा, बटरबाली, जो बाकी कैंप थे सबको इकट्ठा करके हमने जगती में इनको बनाया दिया था, तब गुलाम नबी आज़ाद की हुकूमत थी जिसने संख्या बुनियाद जगती की रखी थी, तब विजय बकाया साहब हमारे डिवीजनल कमिश्नर हुआ करते थे, तो बीच में वो चीफ सेक्रेटरी भी बन गई थी। उस समय के गवर्नमेंट ने बोला था कि जगती टाउनशिप सारे देश में नंबर वन मॉडल टाउन होगा, लेकिन चलते चलते आज तक मॉडल टाउन नहीं, वो सबसे जीरो टाउन हो गया। वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की लैक काफ़ी है, नहीं सहूलियतें हैं। हमारे पास तब एक डिस्पेंसरी दी थी उन्होंने 19 नंबर लेन में, शायद आपने वो देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला कि हम 50-bedded हॉस्पिटल बनाएंगे, वो सिर्फ जगती को पूरा नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे लोकल भाई वहाँ रहते हैं, जो जगती में 50-60 गांव हमारे यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, नेशनल हाईवे जाता है, कभी एक्सीडेंट होता है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया, मैं आप जनता को थोड़ा बताना चाहूँगा, जब प्रॉमिस किया था वो हॉस्पिटल के बारे में, वो तब जगती टाउनशिप के लोगों को बोला गया था कि ये सिर्फ टाउनशिप के लिए हॉस्पिटल होगा, बाद में उसको जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोकल पॉपुलेशन को भी वो है उसको हेल्प करेगा वहाँ पे, वो बाद में प्रॉमिस किया गया शायद आपसे। तो हम कहना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हुए थे कि अगर लोकल लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, वहाँ हमारी माता बहन वहाँ रहते हैं उनको भी मिलेगा, तो जो नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं तब तक जो अस्पताल पहुँचते हैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में, वहाँ काफ़ी बोर उठाना पड़ता है मेडिकल कॉलेज को, इतनी कैपेसिटी उसके पास नहीं है, सारा जम्मू डिवीजन पूरा करता है, कि चलो जगती एक विकल्प बन जाएगा तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन चलते चलते क्या हुआ कि जब इनाग्रेशन करनी थी, मुझे याद था इट वॉज बिफोर 15 अगस्त, लाल सिंह हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, तो वहाँ का जोनल अफसर था, उसने मुझे फ़ोन किया, मैं सिटी में था, कि देश इतना फटाफट आओ कि लाल सिंह जी को आना है, तो यहाँ पर स्टेज आप संभालो 2 मिनट के लिए, तो उनका भी वेलकम करना है। तो कमिश्नर हमारे आर के पंटा थे, तो हम चले गए, तो लाल सिंह ने उस दिन बोला कि ये प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ कि 15 अगस्त से पहले पहले मैं जगती अस्पताल का इनाग्रेशन करूँगा, अनावरण इसका करेंगे, और हम पूरी फैसिलिटीज देंगे, 50-bed वाला अस्पताल रन करेगा, सब लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिलेगा, चाहे एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे लेबॉरेटरी हो, चाहे और कोई टेस्ट हो, आपको बाजार और मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना है वहाँ से जो डिवाइस जो इंस्ट्रूमेंट ये लगे थे आपकी डिवाइसेज होती हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी उठा लिए गए हैं वहाँ साइड से। वही मैं कह रहा हूँ आपको, कहीं और हॉस्पिटल्स में जो है शिफ्ट कर दिए गए हैं, और हमने बाद में सुना कि वो अखनूर के अस्पताल में उन्होंने शिफ्ट किए हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जो लेबॉरेटरी का सामान उनको जो टेस्ट करने होता है वो जेवल से वो खरीदते हैं, 10-10 रुपये में लेते हैं वहाँ के जो मुलाजिम होते हैं, और अगर शाम को 4 बजे के बाद कोई बीमार हो जाएगा तो अगर किसी के पास घर की गाड़ी नहीं होगी तो शाम को गाड़ी भी नहीं मिलती है, तो उस बेचारे को बड़ी बुरी हालत होती है। डायरेक्टर को हमें खुद भी बहुत दफ़ा मिला हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी था अतुल डुल्लू उसको मैं बहुत दफ़ा मिला हूँ, फिर वो दिल्ली पर डिप्रेशन गया था, वापस आ गया, आजकल भी वही शायद है, तो उसको भी मैं बहुत दफ़ा मिला हूँ पर्सनली। हमने उस समय के मंत्री जो हालत के मंत्री रहे लाल सिंह के घर भी 2 बार गए थे, लेकिन कभी जगती का अस्पताल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पहले मुझे बताओ वो बिल्डिंग भी फेल है, वो लगता नहीं वो अस्पताल है। चलिए तो क्या क्या चीज़ें उसमें है, पूरी लैक है जगती। इसमें मैं आपसे एक डिटेल डिस्कशन हम कर सकते हैं पूरी जगती टाउनशिप के ऊपर, क्योंकि मुझे भी नॉलेज है, मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, क्या कंडीशन थी वो मैंने देखी है वहाँ पे, किस तरह से जो है लोग रह रहे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा था वो था करप्शन को लेकर, वो जो गवर्नर साहब के बयान आए उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये पूरी करप्शन जो इतने सालों से हमारे स्टेट को जो खोखला कर रही थी, कहीं ना कहीं जिसने जो एक रीज़न भी है यहाँ पे आतंकवाद होने का हमारे स्टेट के अंदर, डिस्टर्बेंस होने का हमारे स्टेट के अंदर, मैं बात करूँगा कश्मीरी जो विस्थापित है, कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है, इनको किस तरह से इफेक्ट किया, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बता सकें, क्योंकि आप वो लोग हैं जो इस पीड़ा से जो गुजर चुके हैं, अगर आप थोड़ा बता सकें। जैसे आपने सही बोला कि जो करप्शन का इफेक्ट हमारे समाज पर, कश्मीरी पंडितों पर, जो हम पूरे माइग्रेंट 7 लाख कश्मीरी पंडित जो 1989-90 में कश्मीर छोड़ के आए हैं, जो जम्मू और हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में रहते हैं, हम पर क्या इफेक्ट पड़ा इससे? तो मैं मानता हूँ, जैसे आपने पहले ही बोला था कि काफ़ी इफेक्ट हम पर पड़ा है, ऐसे नहीं, जब से हमने कश्मीर छोड़ा, जब से हमको कश्मीर से निकाला गया, और कितने कितने मुसीबतें हम पर डाली गई स्टेट सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि
हम इन्हीं सरकारों की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे कि उस समय अगर करप्शन नहीं होता, अगर हमारी ये लोग फेल नहीं होते, अगर ये हमें प्रोटेक्शन वहाँ पर देते, हम आज अपने घर में होते। लेकिन इट वॉज ऑनली ड्यू टू फेलियर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उस समय का जब मुख्यमंत्री हमारा फारूक अब्दुल्ला था, वो रातों रात अपनी जान को, अपने घर को बचाने के लिए लंदन भाग गया था, तो उसने कश्मीर किसके ऊपर छोड़ा था वो हमें आज तक पता नहीं चला है। और नंबर दो, ये भी एक करप्शन था, जब 87 में इलेक्शन हुई थी, तब जो आज अली शाह गिलानी हुर्रियत वाले हुकूमत चला रहे हैं, पैरेलल हुकूमत चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तब इनके जो इलेक्शन लड़ रहे थे, ये काफ़ी सीटों पर इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन राजू फारूक की वजह से इनको चोरी करनी पड़ी कि फारूक को जिताना था, कांग्रेस को जिताना था। फिर इन्हीं लोगों ने बाद में जो आज सलाउद्दीन है, तब ये मोहम्मद यूसुफ भट्ट था, फिर मिलिटेंट बन गया, आज ये हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन का कमांडर है पाकिस्तान में। तो इनकी वजह से, इनकी चोरियों की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से हमको निकालना पड़ा, घर बनाया इन्होंने, हुकूमत पकड़ी इन्होंने, घर छोड़ना हमको, लोग मर गए हमारे, हमें अब घर वापस जाने की कभी इजाज़त ही नहीं मिलेगी जैसे हम सोचते हैं। और ये सारा करप्शन है, अगर करप्शन नहीं होता फिर इनको चोरी करने की आवश्यकता क्या थी? जो इलेक्शन लड़ता, जो जीत जाता, जिसको लोग वोट डालते, जिसको लोग चुनते, वो जीत के आज हुकूमत चलाते। गिलानी ने उस समय कहा होता कि आई एम फर्स्ट इंडियन, तो हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर ही उसको हुकूमत चलानी थी, लेकिन इनकी गलत पॉलिसी की वजह से 7 लाख कश्मीरी पंडितों को, हमारे पीढ़ियों के पीढ़ियों को, हमारे कितने डायनास्टीज़, हमारे कितने डिकेड्स ख़त्म हो गए, कैरियर, करेक्टर, कल्चर, बिजनेस, ज़मीन, सारा इनकी वजह से हम नेस्ट नाबूद हो गए। ये लोग इसमें बराबर के जिम्मेदार है, ये एनसी वाले और कांग्रेस वाले कभी इसके कम जिम्मेवार नहीं है। राजू गांधी फारूक ने एक हार्ड किया कि हमको इलेक्शन में चोरी करनी है, अपने बंदों को जुतवाना है, लोगों ने वोट दिया था उस समय के मुतहद महाज को, मुस्लिम यूनिटी फ्रंट को, जिसकी कमान अली शेख गिलानी संभालता था, प्रोफेसर गनी भट्ट था, यासिन मलिक था, इनको क्यों नहीं जिताया उस समय? फिर उन्हें गन उठाया, आज सारा हमारा मुल्क 27 साल से लड़ रहा है, अभी हम कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट में हालात ठीक नहीं कर रहे हैं। इट इज़ ऑनली ड्यू टू नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस एट दैट टाइम। अगर उनको भी पुनिशमेंट मिल गई होती, उस समय का चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था, उस समय का चीफ इलेक्टोरल अफसर कौन था, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों को देखा नहीं कि मसला कहाँ से पैदा होता है। तभी करप्शन आगे आगे बढ़ गया, और आज आपने देखा बैंकों की करप्शन, मुझे लगता है कि कोई हर डिपार्टमेंट में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। मुलाजिम कितने लगते हैं, और कुछ मुलाजिम मैंने देखा जो 100-100 साल के बाद रिटायरमेंट नहीं होते हैं, और कुछ लोगों ने नागालैंड इम्फाल से सर्टिफिकेट लाई है। मैं कहता हूँ कि इस चैनल के द्वारा से उनके भी पूरा चेक होने चाहिए, वो नौकरियाँ मिली कैसे उनको, क्या एक लड़के को यहाँ कहाँ से, इम्फाल से, वो यूनिवर्सिटी कभी फंक्शन नहीं करते हैं, आज वो 20-20 साल से नौकरियाँ करते हैं, उनकी प्रमोशन ही हुई है। कि जब पारदर्शिता लानी है, जब सफाई लानी है, जब जस्टिस देना है, कि सब जगह कानून होना चाहिए, कानून को डिवीजन नहीं होना चाहिए, फेस को देख के इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, जैसे भगवान के सामने सब बराबर होते हैं, एक गवर्नमेंट, एक गवर्नर, एक CM, एक PM के सामने सब लोग बराबर होते हैं, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद देशरतन जी, आपने एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे हमें समय दिया, डिस्कशन की, और काफ़ी आपने अपने कम्युनिटी पे जो इसका इफेक्ट पड़ा है करप्शन का, उसके बारे में भी हमें बताया, हमारे फॉलोअर्स को भी बताया। और वाकई करप्शन एक ऐसी चीज़ है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं, पूरे के पूरे खित्ते को, पूरे के पूरे प्रदेश को जो है, और देश खा को जाता है, कहीं ना कहीं जो है खा जाती है, अंदर से खोखला कर देती है सोसाइटी को, और हमें तब समझ आती है जब वो कोलैप्स करने की कगार पर होती है। जैसे कि हम आज देख रहे हैं हमारे प्रदेश में मिलिटेंसी की वजह से, आतंकवाद की वजह से जो है हमारी स्टेट जो है कोलैप्स होने की स्टेट में है। कश्मीर एकदम जल रहा है, कई दशकों से चल रहा है वो, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं जो है करप्शन है, वो ग्राउंड लेवल पे करप्शन, या हम बात करें पॉलिटिकल लेवल पे करप्शन, वही करप्शन है जिसका आज गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो है बखियान किया, जिन्होंने खुलेआम उसको जो है चुनौती दी है करप्शन को, खुलेआम एक TV इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है, आइडेंटिफाई किया करप्शन को। और मैं कहूँगा जिस तरह से गवर्नर साहब ने एक नेशनल TV पे इंटरव्यू देके आइडेंटिफाई किया करप्शन को हमारे स्टेट के अंदर, ये एक बड़ा कदम है करप्शन की तरफ, करप्शन को खत्म करने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए मुद्दे पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।